तो भाई कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो गौरी का सुबह का दूध पीना हो चुका है, मांस लगा के उसके माँ के साथ है। उसकी माँ को हरा चारा का सुबह का, लेकिन वो अभी फ़िलहाल तो खा नहीं रही। और गौरी ने अच्छी खासी खेल कूद कर ली है। इस साइड में है लक्ष्मी, और लक्ष्मी को भी हरा चारा रख दिया है, लेकिन वो भी नहीं खा रही। खुराक इसकी भी खानी होगी। फार्म के अंदर वाली सभी गाय भी खा रही है सुबह का हरा चारा, और अभी शांति है फार्म के अंदर, सभी अच्छे से खा रही है। ये रही अपनी सभी गाय। और राम जी और राम जी के दोनों दोस्त चुटकी और चुटकू दोनों को खेत में बांध दिया, और राम जी उन्हीं के पास गए हैं। ये रहे सामने तीनों, तो वहाँ पे चारा खा रहे तीनों। और इस साइड में ये चार शैतान, ये चारों भी हरा खा रहे। और उस वाले फार्म की सफाई भी हो चुकी है, तो अपने सारे काम सुबह वाले पूरे हुए। तो बहुत दिनों के इंतजार के बाद अपने फार्म पर अपने गायों के लिए छाव बनाने के लिए अपन ग्रीन नेट लेके आए हैं। तो यहाँ पर जो जगह बची थी जहाँ पर पूरी धूप आती थी, और कुछ जगह में अपने जो नीम की छाव थी वो रहती थी, तो सिर्फ इतनी जगह में अपनी गाय बैठ पाती थी। तो ये सारी जगह में अपन अभी ग्रीन सेट नेट लगा रहे हैं, जिससे गायों को कभी भी गर्मी ना लगे। तो 90% अपना जो पूरा एरिया है वो छाव में आ जाएगा। तो यहाँ पर भी चाचा जी यहाँ पर बांध देंगे, उस साइड पे पूरा बांध दिया है। इस साइड वाला अभी आगे यहाँ पर बांध देंगे, जिसकी वजह से पूरी जो अपनी जाली है वो ठीक से टाइट हो जाएगी। तो अभी जल्दी से बांधते हैं इसे। तो पांचों साइड से ठीक तरीके से बांध दी है अपना, ये दोन साइड और एक ये साइड और एक इधर और एक इधर। सिर्फ एक साइड बचा था जो भाई बांध रहा है। तो अभी सभी तो टाइट है, लेकिन अगर आगे कुछ हवा आई या फिर तूफान आया तो ही हमें डर है कि अपनी रस्सियाँ टूट सकती है। अगर रस्सियाँ नहीं टूटी तो जहाँ पर बांधा है वो जगह टूट जाए। हमें तो अभी डर है कि ये जो अपनी डाल है इस पेड़ की, तो इस डाल को बांधा है तो ये ना टूट जाए, इससे यहाँ पर बांध दिया है। तो भाई बोल रहा है कि ये डाल टूट सकती है, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, लेकिन अभी के लिए तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर 90% एरिया अपना पूरा छाव में है। तो कुछ कुछ जगह पे ही थोड़ी बहुत धूप आएगी, लेकिन अभी देख सकते हैं आप थोड़ा शाम का टाइम हो चुका है, लेकिन दोपहर में भी अच्छी तरीके से छाव रहेगी। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि अपने गायों को छाव के लिए कुछ लाना है, तो अभी अपना जो ग्रीन सेट नेट है वो लग चुका है, जिससे अपने गायों को अच्छे से छाव में रहने को मिलेगा। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 20 फीट, और जो इसकी लंबाई है वो है 50 फीट। तो ये 20x50 की अपने को सेट नेट मिली है, जिसकी कीमत है 3,000 रुपये। हमें 3,000 रुपये में अपने महाराष्ट्र में मिली है, जिसकी हमें बहुत दिनों से ज़रूरत थी, लेकिन हम ला नहीं पा रहे थे। तो आज तो फिलहाल पूरे लग चुकी है, और लगने के बाद बहुत अच्छी लग रही है, जिससे अपनी गाय को छाव मिलेगी। तो देखते हैं कितने दिनों तक टिक पाती है, क्योंकि तूफान में हमें डर है कि निकल ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो कुछ इस तरीके से अपना जुगाड़ तो लग चुका है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। कल सुबह फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।